जहां देश में लोग ओलंपिक्स में कुछ मेडल जीतने पर जोश में हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिकता जोर पकड़ रही है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते रविवार 8 अगस्त को कुछ संगठनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी पर एक प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। ठीक उसी वक्त वहां विवादित नारेबाजी की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इस मामले में अब तक वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग शामिल हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो के जरिए सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के दारुल हुकूमत में वो अगर ये कहते हैं कि देश के हजारों को गोली मारो और उनको मंत्री बना दिया जाता है, अगर दिल्ली के मुल्क इदारों हुकूमत में एहतजाज करने का हक हर एक को हासिल है, मगर एहतजाज में अगर गाली दी जाती है मुसलमानों को और खुलेआम उनको मारने की, उनको खत्म करने की बात की जाती है, तो वजीर दाखला जनाब अमित शाह के अंडर जो पुलिस है वो कहती है कि अननोन पर्संस ने बात कही है, तो फिर नोन पर्संस कौन है ये हमको समझना चाहिए। ये सवाल है। इस मुद्दे पर मीडिया में कम ही डिबेट देखने को मिली। मीडिया में ये मुद्दा सिर्फ खबर तक ही सीमित रहा। जब भारत में कोरोना के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात का नाम आया था तो मीडिया ने इस पर कई दिन तक डिबेट की थी, लेकिन अब मीडिया इस गंभीर विषय को उठाकर सरकार से कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहा? जंतर मंतर पर चल रहे प्रोग्राम को कवर करने के लिए गए नेशनल दस्तक के पत्रकार को भी वहां मौजूद भीड़ ने जय श्री राम कहने को कहा। मेरी भी बात तो सुनोगे ना, कब से सुन रहा हूं मैं। आप भी दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बोलिए, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बोल दे भाई, बोल दे मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए तो मेरी बात, वंदे मातरम से तकलीफ है, भारत माता की जय से तकलीफ है, जय श्री राम से तकलीफ है, आपको क्या चाहिए? सुनो, देख रहे हैं मुझे वंदे मातरम से तकलीफ है, मैं बोल रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। मैं तो बोलते रहा अंकल, वंदे मातरम बोलते रहो, भारत माता की जय बोलते रहो। आप कैसी बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं। जब 200 किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू की थी तो मीडिया की ओर से कहा गया कि इससे दिल्ली के लोगों को खतरा है। क्या मीडिया को अब खतरा नहीं दिखाई दिया जब इतने लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए? बड़ी बात यह है कि इस नकली संसद से दिल्ली के लोग भी बहुत डरे हुए हैं और उन्हें 26 जनवरी की तारीख याद आ रही है, गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ लाल किले पर वो याद आ रहा है, जब इन्हीं कथित किसानों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था और दिल्ली के लाल किला पर इन्होंने कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया था। और आज एक बार फिर इन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी है। और इस समय जो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इनमें एक तस्वीर देश की असली संसद की है जहां मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही है, और दूसरी तस्वीर वहां से 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर लगी नकली संसद की है जिसने दिल्ली के लोगों को डराया हुआ है। जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक गए तब भी मीडिया ने इस पर काफी सवाल खड़े किए। इसके अलावा ट्रैक्टर की भी जांच शुरू की गई कि ट्रैक्टर दिल्ली कैसे पहुंचा और कौन लेकर गया। आज वो किसान के रूप में थे, आज उनका जो रोल था वो किसान का था। बाद में पता चला कि जिस ट्रैक्टर से वो सत्य की फसल उगाने की बात कर रहे थे उस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं था और पुलिस ने बाद में इस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, यानी जिस ट्रैक्टर को लेकर राहुल गांधी आए उसमें नंबर प्लेट नहीं था। और अब बात दिल्ली में राहुल गांधी के कल हुए ट्रैक्टर मार्च की करेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च से दिल्ली का सियासी पारा अचानक चढ़ गया, किसान आंदोलन एक बार फिर केंद्र में आ गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी के पास ट्रैक्टर कहां से आया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपसे साझा करें, आपको बताएं संसद में राहुल गांधी द्वारा ट्रैक्टर चलाने के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर और कंटेनर के मालिक की पहचान कर ली है। ट्रैक्टर और कंटेनर के मालिक सोनीपत का बताया जा रहा। पुलिस ने कहा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर हरियाणा के सोनीपत के बिंदरौली का बताया जा रहा। रविवार को जंतर मंतर पर जो नारे लगे उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। नारे लगाने वाले भी साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है।
2020 में दिल्ली में दंगे हुए तो कुछ स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट पर दंगे भड़काने के आरोप में UAPA के तहत केस दर्ज हो गया था। हाथरस की घटना को कवर करने गए पत्रकार पर भी सरकार ने UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर कफील खान के एक भाषण के चलते उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जंतर मंतर पर अब जो भी हुआ उसमें अभी तक सिर्फ जांच ही चल रही है। खैर, इन सब में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय का नाम काफी सुर्खियों में है। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उनका एक वीडियो सामने आया था। मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच कर ले। अगर ये वीडियो सही है तो इसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मैं नहीं जानता इस वीडियो में कौन लोग हैं। मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी इनको देखा नहीं, न इनको वहां बुलाया, और जब तक मैं था वहां ये लोग दिखाई भी नहीं पड़े। उसके बाद हमारे जाने के बाद इस तरीके का वीडियो अगर बनता है तो ये मुझे लगता है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। और यदि वीडियो फेक है तो निश्चित रूप से हमें बदनाम करने और भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम पर दी। अपने वीडियो में रवीश ने बताया कि अश्विनी उपाध्याय के तार किस तरह संस्था और कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारी से पहले अश्विनी उपाध्याय ने अपना लिखित बयान जारी किया है, इसे पुलिस को भी भेजा है और मीडिया को भी। इस बयान को ध्यान से पढ़िए। इसमें अश्विनी कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, उस संगठन से भी खुद को अलग कर लेते हैं जो संगठन अश्विनी को अपना मार्गदर्शक मानता है और जिसके लिए अश्विनी अनेक बार ट्वीट करते हैं, जिसके पोस्टर पर सेव इंडिया फाउंडेशन का नाम और लिंक लिखा होता है, उस पर इनका भी चेहरा होता है। सेव इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट खोलते ही अश्विनी उपाध्याय की तस्वीर दिख जाती है। फाउंडेशन के पेज से मिले पोस्टर पर लिखा है 8 अगस्त को दिल्ली चलो। सेव इंडिया फाउंडेशन का एक और पोस्टर बरामद हुआ है जिसे 21 फरवरी को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है, और इस पोस्टर में इसके संस्थापक प्रीत सिंह है। 8 अगस्त के इस पोस्टर में अश्विनी की तस्वीर के नीचे मार्गदर्शक लिखा है, यानी उन्हें फाउंडेशन का मार्गदर्शक बताया गया है। कुछ पत्रकारों ने वहां मौजूद लोगों से बात की। अब खुद देखिए कि वे लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे और क्या एजेंडा था। 99% या 100% कट्टरपंथी जो भारत के अंदर रहते हैं उनका एक लक्ष्य है कि हम 10 विवाह करें और 50 बच्चे पैदा करें और उनको हम वोटों में 18 साल बाद कन्वर्ट कर दें और भारत को गजवाए हिंद लागू कर देंगे। एक हमारे पेज पे आके सैफ शेख नाम का बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम 15 से 20 साल में चिल्लाते रहो लेकिन हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। क्या रोहिंग्याओं का देश में अधिकार है रहने का? मुझे आप बताइए, आप अपने घर में किसी को रहने देंगे? एक मिनट, आप इस चीज को बताइए, कश्मीरी पंडित हमारे बरसों से भी स्थापित हैं, उनको उनके लिए कोई चिंता नहीं है? मोदी जी क्यों नहीं किए? सवाल तो यही है, मोदी जी कर रहे हैं। 7 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी कर रहे हैं। हमारे जो लोगों ने 70 साल से नहीं किया मोदी जी ने 7 साल में करके दिया है। अब आगे ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और सरकार का रुख इस मुद्दे पर क्या होगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.